हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम फोरी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग गुणा करने का शानदार ट्रिक देखेंगे। ये जो संख्या आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये सबका मल्टीप्लिकेशन मात्र हम कुछ ही सेकंडों में करेंगे। ऊपर वाला जो संख्या है 1000 के नजदीक है, इधर वाला जो संख्या है 1000 से कम है, और इधर वाला जो संख्या है 1000 से अधिक है। दोनों का गुणा करने का ट्रिक कुछ अलग अलग होता है और दोनों का ट्रिक हम बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए आइए पहले इसमें का हम पहला समझते हैं। ऊपर वाला देखिए 999 यानी कि 1000 से कितना कम है, इसको यहाँ पे लिख देंगे एक कम है। और यहाँ पे देखिए 998 है, 1000 से कितना कम है, दो कम है, तो यहाँ पे हम दो लिख देंगे। अब करना है कुछ नहीं है, ये एक में दो से हमें गुना करना है, तो दो एकम कितना होगा हमारा दो। एक ध्यान रखना है कि हमेशा यहाँ पे 3 डिजिट लेना है, यानी 3 अंक लेना है, तो एक ही अंक हो रहा है तो 2 0 अपने से हम डाल देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, ये एक को आप चाहिए तो 998 में से घटा लीजिए, या फिर ये दो को चाहिए तो 999 में से घटा लीजिए। अब 998 में से हम एक घटाएंगे तो कितना होगा हमारा 997 होगा, यही हो गया हमारा आंसर। उसी तरह इसको बनाएंगे, यहाँ पर देखिए 996 है, 1000 से कितना कम है, 4 कम है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। और यहाँ पे देखिए 995 है, 1000 से कितना कम है, 5 कम है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। अब करना क्या है, 4 और 5 में हम गुणा करेंगे, 4 और 5 में गुणा करेंगे कितना होगा हमारा, 4 × 5 = 20 होगा, यहाँ पे हम 20 लिख देते हैं। याद रखना हमेशा यहाँ पे 3 ही अंक लिखना है, 2 अंक आ गया है तो 1 अंक अपने से यहाँ पे क्या डाल देना है, 0 डाल देना है। अब यहाँ पे क्या करना है सेकेंड स्टेप में, ये 996 में से आप चाहे तो 5 घटा लीजिए, या फिर 995 में से आप चाहे तो 4 घटा लीजिए। तो 995 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना होगा हमारा, 991 हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन। ट्रिक अच्छा नहीं लग रहा होगा आप सभी को। अब दूसरा समझते हैं, दूसरा में क्या है, 1000 से संख्या क्या है, अधिक है। जब संख्या 1000 से अधिक हो तो उसका ट्रिक कुछ अलग होता है। यहाँ पे देखिए 1000 से कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। और 1000 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो 5 लिख दीजिए। अब इस 6 में हमें 5 से गुना करना है, तो 6 × 5 कितना होगा हमारा, 30 होगा। हमेशा यहाँ पे 3 डिजिट लिखना है, यानी कि 3 ही अंक में लिखना है, तो 1 अंक कम है तो यहाँ पे 1 अंक अपने से डाल देंगे 0। अब क्या करना है, ये 6 को आप चाहे तो 1005 में जोड़ दीजिए, या फिर ये 5 को आप चाहे तो 1006 में जोड़ दीजिए, किसी एक को जोड़ना होता है। तो हम 1005 में हम 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, 1011 हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट आगे वाला देखते हैं, उसी तरह इसमें देखेंगे 1008 है, 1000 से कितना अधिक है, 8 अधिक है। और ये 1005 है, 1000 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। हम क्या करेंगे, 8 और 5 में हम गुणा कर लेते हैं पहले, 8 × 5 कितना होगा हमारा, 40 होगा। आप सभी को बताया गया है कि हमेशा यहाँ पे 3 डिजिट लेना है, 2 अंक आ रहा है इसलिए यहाँ पे 1 अंक अपने से 0 डाल देंगे। अब करना क्या है, इस 8 को आप चाहे तो इसमें जोड़ दीजिए, या फिर इस 5 को आप चाहे तो इसमें जोड़ दीजिए। तो 1005 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1000 हमारा 13 होगा। इस तरह इसका मल्टीप्लिकेशन आसानी तरीके से निकालेंगे। अब आइए हम नीचे वाले को समझते हैं। नीचे वाला कंडीशन क्या है, इस सभी अंकों के बीच में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब इसका हम ट्रिक बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना होता है, देखिए इस और इसमें क्या करेंगे, लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा हमारा, 7 × 5 = 35। उसके बाद इसमें गुना करते हैं, 6 × 8 कितना होगा, 48। अब करना क्या होता है, देखिए इस 7 में 6 से गुना कीजिए कितना होगा, 42। फिर 8 में 5 में से गुना कीजिए कितना होगा, 40। और ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा हमारा, 82। उस 82 को हम इसमें लिख देंगे, हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 5 5 में गुना करेंगे कितना होगा, 25। उसके बाद क्या करेंगे, 9 और 8 में गुना करेंगे कितना होगा, 9 × 8 = 72। उसके बाद क्या करना है, इस 8 में गुना करना है 5 से, कितना होगा, 8 × 5 = 40। और फिर प्लस करना है, फिर इस 9 में गुना करना है 5 से, कितना होगा, 9 × 5 = 45। अभी दोनों को जोड़ देंगे, 40 और 45 कितना होगा, 85 85 यहाँ ले देंगे, हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखिए 9 में 8 से गुना कीजिए, 9 × 8 = 72। अब क्या करेंगे, 4 में 5 से गुना करेंगे, 4 × 5 कितना होगा, 20। अब क्या करना है, इससे गुना करेंगे 8 में, 5 × 8 कितना होगा, 40। और यहाँ पे प्लस करेंगे,
और फिर चार से गुना करेंगे नौ में, चार नवा कितना होगा 36। अभी दोनों को जोड़ेंगे 40 और 36 कितना होगा 76। इस तरह इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।